हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड जोहारी। आप सब लोग कैसे हो? आई होप यार आप सब लोग सही सलामत है। मैं मेरी गॉड के पास दुआ करती हूँ एंड बिलीव भी करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड लोग सही सलामत है। आज मैं आप लोग को एक छोटा सा वीडियो शेयर कर रही हूँ। जो हमारे घर में मगरमच्छ है ना, उसका कुक हुआ था, तो उसके बारे में शेयर कर रही हूँ। उसको फ्राई नहीं करते हैं, ये मछली को ऐसे ही कुक करते हैं। तो मेरी मम्मी ऐसे ही कुक कर रही है, तो आप लोग देख सकते हैं। उसको अच्छे से पहले हमने साफ किया है। साफ करने का बाद बस राई, अदरक, जिंजर, अदरक, मिर्ची, लहसुन, प्याज उसको सब ग्राइंड कर लिया था, पेस्ट किया था, ज़्यादा राई भी लिया था। फिर मम्मी सब्जी बनाने के लिए थोड़ा करे, एक करे लिया पेन, और उसमें वो ग्राइंड कर मसाला वगैरह सब ले लिए, थोड़ा ऑयल लेकर उसका अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लिए, मिक्स कर लिए। उसको थोड़ा ऑयल में फ्राई करना है, ज़्यादा भी फ्राई ही करेगा तो राई वाला ना थोड़ा फर्क आएगा, अच्छा नहीं लगेगा मसाला। लेकिन उसको थोड़ा फ्राई करना है, पानी मिला कर भी और ऑयल का साथ भी थोड़ा फ्राई करना है। तो उसको अच्छे से फ्राई कर लिए, थोड़ा पानी डाल के पानी में। और आज हम बनाएंगे कच्चा वाला मैंगो से मछली का सब्जी, बहुत टेस्ट होगा। और आपको दिखना चाहिए इतना स्वाद का, जितना पसंद जितना नमक डालना है उसमें। बाहर का मसाला तो नहीं मिला है, पेशा हुआ वाला मसाला है, सबसे अच्छा है। मेरी सारी वीडियो रेसिपी वाला वीडियो आपको मालूम है, जो मसाला पेशा हुआ वाला मसाला से पूरा सब्जी अच्छे से कुक करना है। अच्छे से थोड़ा कुक होएगा तो इसमें हम मछली मिलाएंगे, तो ये अच्छे से कुक हुआ। आप देख सकते हैं मैंगो भी बहुत अच्छा लग रही है, बहुत अच्छे से कुक हुआ। उसको अच्छे से कुक कर लिए हैं। ये ब्लैक वाला इमली है, जो बिना फ्राई वाला मछली से सब्जी बनाने से थोड़ा स्मेल भी आएगा ना, स्मेल नहीं आने के लिए ये ब्लैक वाला इमली मिलाते हैं उसमें। तो ये ऐसे ही मिला रही है, ब्लैक वाला ये मछली है, मगरमच्छ का मछली, उसको फ्राई नहीं करते ऑयल से। तो ये बड़ी उसमें मिलाया, ये उसको अच्छे से कुक होना, कुक होने तक तो उसको रखना है, कुक करना है। और उसको अच्छे से मिलाना है मसाला में, मछली को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसको ये देखिए तो बहुत अच्छे से मिक्स भी हुआ, थोड़ा बहुत आ गया। ये बहुत स्वाद है, इसमें कांटे भी नहीं मिलता ना इसी में। मच्छे बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसमें मुझे मालूम नहीं है। और इसमें बस कांटे नहीं मिलते, इसी मछली में बहुत स्वादिष्ट भी है। और ऑलरेडी कुक हुआ मछली बहुत अच्छी से। ये सब्जी हम बना रहे हैं, ये एक पत्ते है जो पानी नदी में मिलता है, उसको हम बनाते हैं। लेकिन ये खाने से थोड़ा गाले में खुजली आता, फिर भी उसको इमली डाल के बनाते हैं, बहुत अच्छा है। ठंडी लगता है खाने के लिए, ठंडी टाइम, गर्मी टाइम में खाने के लिए। तो हम किधर गई थी बाहर कुछ काम के लिए, तो ये लेकर जा रही है, हम नदी के किनारे में था ये सब, लेकर जा रही है। उसको भी हम कुक करना है, थोड़ा सब्जी बनाना है। तो ये धो के लेकर आया था, उसको अच्छे से निकालना है, साफ करना है, उसके बाद उसको कुक करना है। थोड़ा बस सिंपली से कुक करना है, घर में सब लोग नहीं खाते, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, मैं खाती हूँ उसको। अच्छे से थोड़ा धो के उसको काट के, काटने का बाद कुक करना है।
मेरी छोटी है, ये काट रही है। ये बहुत हल्का सा, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग से कट रहा था। हमने थोड़ा बहुत स्माइल भी किया और रेडी हुआ। बस उसको कुक करना है, उसमें गार्लिक थोड़ा काट के डालना है और सूखा वाला मिर्ची, राई थोड़ा फ्राई करके मिलाना है। और हो गया सब्जी। नमक भी मिला रही है उसमें, थोड़ा नमक मिलाया तो हो गया रेडी खाना है। हम अभी हमारी लंच के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया। देख सकते हैं हमारी बहुत बड़ा फैमिली है, बहुत बड़ा मेंबर फैमिली में, बहुत फैमिली मेंबर भी है ज़्यादा, हम थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और माई फ्रेंड्स। और आप लोग को वीडियो कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओगे। प्लीज़ जो भी न्यू हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच माई फ्रेंड्स, टेक केयर, माई गुड प्लेस यू, बाय बाय। Yeah, you can start looking at it. I'm going to do some looking at it.